अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सुदीप सिन्हा की अगुवाई में संचालित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डीएफओ गुमला श्री श्रीकांत एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डीपीआरओ गुमला श्री देवेंद्र नाथ भादुड़ी को आमंत्रित किया गया है। परमवीर अल्बर्ट इक्का के परिजन इस परिसर में आ चुके हैं। हमारे बीच उनका आगमन हो रहा है। मैं कमान अधिकारी कर्नल सुदीप सिन्हा से गुजारिश करती हूं कि श्री विंसेंट इक्का को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। मैं आग्रह करती हूं एसएम सर से कि वह परमवीर के पौत्र श्री अनुज इक्का को पुष्प गुच्छ भेंट करें। यह पल है गर्व का और मान का, यह पल है गर्व का और मान का, वीर के सम्मान का, देश के अभिमान का। जोहार। दिस ईयर इज इंडीड अ वेरी स्पेशल ईयर फॉर ऑल ऑफ अस एज इंडियन सिटीजन्स, एज आर नेशन इज नॉट ओनली सेलिब्रेटिंग आजादी का अमृत महोत्सव बट वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स ऑफ आर हिस्टोरिकल विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन 1971 वॉर इन द फॉर्म ऑफ स्वर्णिम विजय वर्ष। टू बी पार्ट ऑफ दीज सेलिब्रेशंस एनसीसी हैज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव called NCC Vijay Shrankhla, through which the next of kin of 75 brave hearts of 1971 war are being felicitated at different locations across the country. इसी कड़ी में आज हम गुमला के इस पावन धरती पर उपस्थित हैं और इस अवसर पर झारखंड के वीर सपूत परमवीर अल्बर्ट इक्का के परिजनों को सम्मान देने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे बीच उपस्थित डीएफओ गुमला मिस्टर श्रीकांत और डीपीआरओ गुमला मिस्टर देवेंद्र नाथ भदुरी का भी स्वागत करता हूं, जिन्होंने व्यस्तता के बावजूद हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। यहाँ पर उपस्थित सभी कैडेट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो आज़ादी आप महसूस कर रहे हैं वह कई कुर्बानियों और लंबे संघर्ष का नतीजा है और इसे बरकरार रखना आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप सब एक जिम्मेदार नागरिक बने और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें। भारतीय सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसमें हमारे वीर सेनानियों ने प्रथम विश्व युद्ध से लेकर कारगिल युद्ध तक अपना अदम्य शौर्य और पराक्रम दिखाया है और परचम भी लहराया है। 1971 की जीत हमारी सेना के स्वर्णिम इतिहास की सबसे बड़ी जीत होने के साथ ही इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युद्ध ने पाकिस्तान का अंग ही भंग नहीं किया बल्कि एक नए राष्ट्र को भी जन्म दिया। लेकिन याद रखें, युद्ध में कुर्बानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती है
बल्कि ये पूरे परिवार का देश के लिए बलिदान होता है और ये देश इन वीरों की कुर्बानियों के लिए सदा कृतज्ञ रहेगा। मैं आज इस मंच से देश की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले सभी वीरों तथा वीर नारियों का नमन करते हुए इस कार्यक्रम के शुभारंभ की औपचारिक घोषणा करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DFO गुमला श्री श्रीकांत से आग्रह करती हूं कि वह मंच पर आकर हमारे NCC कैडेट्स को अपने उद्बोधन से प्रेरित करें। देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए कितने उत्सुक और तैयार हैं। NCC द्वारा ऐसा आयोजन राष्ट्र निर्माण के यज्ञ के समान है और इसके लिए NCC का महती प्रयास प्रशंसनीय है। 1971 के युद्ध में 14वें ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के लांस नायक परमवीर एकाजी ने लड़ते हुए घायल होने के बावजूद भी बैटल ऑफ गंगा सागर में पाकिस्तानी सेना के कई बंकरों को नष्ट किया। यह उनके द्वारा हमारे भारत राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान है और मैं इस मंच से उनके परिजनों की प्रशंसा भी करना चाहूँगा कि यह उनके परिवार का संस्कार, धैर्य और साहस कितना अदम्य है जिसकी बदौलत उन्होंने इस युद्ध भूमि में अद्वितीय पराक्रम दिखाया। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे तिरंगे की आन बान शान के लिए विजय श्रृंखला का यह क्रम कभी न रुके और मुझे विश्वास है रुकेगा भी नहीं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उनके परिवार से रूबरू होने का, समक्ष एज अ चीफ गेस्ट आने का यह मौका मिला। यह काफ़ी मेरे लिए पर्सनली काफ़ी गर्व का विषय है। इस मोमेंट को मैं हमेशा संजोऊंगा। धन्यवाद। दीप प्रज्वलन हमें यह संदेश देता है कि दीपक की तरह जलते रहो, अपने हर एक कतरे का पूर्ण उपयोग दूसरों के जीवन में उजाला भरने के लिए उपयोग करो। मैं कमान अधिकारी से निवेदन करती हूँ कि वह श्री विंसेंट एक्का को मेमेंटो देकर इस लम्हे को यादगार बनाए। अत्यंत गौरवमयी पल समस्त गुमला वासियों के लिए। यह सम्मान एक वीर के परिजन का उनके त्याग और बलिदान के लिए है। इस संपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं अपने कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सुदीप सिन्हा को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा जिनकी अगुवाई में यह कार्यक्रम संचालित हुआ। साथ ही मैं सभी JCO, NCO, ANO एवं कैडेट्स को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। इसके साथ कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से होगा जिसके लिए आप सभी से आग्रह है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जय हिंद, जय हिंद।